सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद ये नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, ये गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने सम्मन करके बुलाया है। कानून अपना काम कर रहा है, हिसाब से कानून से डरना नहीं चाहिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो, लेकिन अगर आपने किया है तो कानून अपना काम करेगा और कानून को आपको जवाब देना पड़ेगा। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जो भी हुआ है, जो भी डीलिंग हुई है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुई है। तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। अगर सीबीआई ने बुलाया है तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अपने आप को कट्टर ईमानदार जो घोषित करने वाले लोग, जरा बता दें कि अभी तक मनीष सिसोदिया की रिहाई नहीं हुई है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। यही मामला आपने कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्यदेव जैन को दिया था, आज 10 महीने से ऊपर हो गए, जेल में है। तो इसलिए अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना बंद करें, अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स से दूर करें, और अगर सीबीआई ने आपको बुलाया है तो जो जवाब उन्होंने आपसे मांगे हैं उसको जवाब आपको देने पड़ेंगे। इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ आपके घर में डीलिंग हुई है, आपकी नॉलेज में डीलिंग हुई है, तो इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा।